नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार के प्रमुख महापौर हैं। आजकल महापौर जो है वो एक्शन मोड में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए। हाल ही में ड्रेनेज सिस्टम को जानने और समझने के लिए नगर पालिक निगम की पूरी टीम महापौर के साथ सड़क पे उतरी, जिसका मामला ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम के लिए काम करने वाली टीम ने गति बढ़ाई है और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए समय मांगा है। हमारे साथ आज छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम आहाके हैं। जानेंगे समझेंगे कि आखिर नगर निगम में जन समस्याओं के निराकरण करने के लिए महापौर एक्शन मोड में है, क्या है मांजा। बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जनता ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए मुझे चुना है और उनका सीधा सा आशा और उम्मीद मेरी तरफ है आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से कि महापौर हमारा काम करेगा। और चूंकि ड्रेनेज का सीवरेज का काम छिंदवाड़ा में बड़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसमें कई बार व्यवधान उत्पन्न होते हैं जिससे रहवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो हमने अधिकारियों को बुलाकर अपने चैम्बर पर बुलाकर उनको फटकार लगाई, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो हमने पूरे अपने निगम परिषद अध्यक्ष और सभी के साथ जाकर स्थल निरीक्षण किया और स्थल पर उनको फटकार लगाने का काम किया है, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि जो समस्याएं से उनको अवगत कराया था उस पर अब शीघ्रता से काम चालू हुआ है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप फील्ड में उतर रहे हैं, कैसा पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो जिस दिन से चुनाव जीता हूँ और जीतने के पहले मैंने जनता से वादा किया था कि आपको काम कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आपके काम करने हम स्वयं घर घर वार्ड वार्ड मोहल्ले मोहल्ले तक जाएंगे। और उसी आधार पर हमने चुनाव जीतने के पश्चात पूरी बड़ी समस्याओं छोटी समस्याओं सबका निराकरण करने के लिए वार्ड में पहुँचते हैं और उनका काम कराते हैं। आप कभी साइकिल में बैठे नज़र आते हैं तो कभी पैदल घूमते हैं, वॉक करते करते भी जन समस्याओं को समझने जाते हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है। बिल्कुल, निरंतर हम कभी साइकिल पे, कभी पैदल, कभी स्कूटी पे निरंतर लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने आप को सहज और सरल महापौर के रूप में छिंदवाड़ा की जनता मुझे जानती है और मैं चाहता हूं कि हमेशा उनके लिए एक सहज रूप से मैं उपलब्ध रहूं, जिससे वो मुझसे आसानी से बात करें। कई लोग गरीब असहाय लोग रहते हैं, दिव्यांग जन रहते हैं, जो एक डरते हैं। झुग्गी झोपड़ियाँ हमारे क्षेत्र में काफ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जगह पे उनके जैसा बनकर रहूँ, जिससे वो अपनी समस्याएं मुझे आसानी से अवगत कराएं। महापौर विक्रम आहाके को सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कांग्रेस की नगर पालिक निगम है, अधिकारी आपके अधीन है, आखिर कारण क्या है कि आपको सड़क पर उतरना पड़ा। निश्चित तौर पर सेंट्रल में और स्टेट में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चूंकि अधिकारी सरकार के अधीन होता है तो सरकार के नुमाइंदों के अनुसार वो काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास को लेकर कई बार वो राजनीतिक उठापटक के चलते कामों में रुकावट डालते हैं, जिसके कारण हमें सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन जब हम सड़क पर उतरते हैं, MIC को पावर है, परिषद को पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति को कमज़ोर करने का काम राज्य सरकार निरंतर करती है और छिंदवाड़ा के साथ अधिक समय से ये किया जा रहा है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए आपने एक अभिनव प्रयास किया, वो प्रयास क्या है। बिल्कुल, हमने महापौर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें लगभग सैकड़ों समस्याएं प्रतिदिन आती है और उसका रिव्यू मैं पर डे करता हूं और निराकरण के अंतिम समय में हम देखते हैं एक दो दिन में, तीन दिन में, कि उनमें से 70-60% समस्याओं का निराकरण हो चुका होता है। जो 30-40% समस्याएं रहती है पुल पुलिया बनाने की, सड़क बनाने की, तो वित्तीय स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो उसमें रुकावट आती है। बाकी छोटी साफ़ सफाई और बाकी समस्याओं का निराकरण शीघ्रता से होता है और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नगर पालिक निगम के महापौर जन समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क पे उतरे, उन्होंने समस्याओं को जाना है, समझा है और निर्देशित किया है। कहीं ना कहीं नगर पालिक निगम कांग्रेस की है और जन समस्याओं को निपटाने के लिए महापौर प्रयासरत। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।